वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस यानी कि IRFC लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो IRFC लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए, आज काफी गिरावट देखने को मिले स्टॉक ने। 32.20-30 पे ट्रेडिंग करा स्टॉक, कल जो तेजी थी उससे डबल यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जा सकती है। क्योंकि तकरीबन देखा जाए तो 9% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी, तकरीबन 11-12% तक गिरावट हो चुकी थी। स्टॉक में हल्का सा रिकवर होता हुआ नजर आ चुका है। तकरीबन मार्केट क्लोज नेगेटिव देखने को मिले स्टॉक के अंदर। देखोगे तो देख सकते सारे सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते, सारे स्टॉक्स में रेड रेड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि RBI की पॉलिसी जो थी आज, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। निफ्टी देख सकते हो, सेंसेक्स देख सकते हो, सारे चीजें बैंक निफ्टी देख सकते हो, सारे में 1% से ज्यादा गिराव देखने को मिले। इंडियन रेलवे फाइनेंस इनमें रेलवे के जितने भी स्टॉक्स है, जैसे कि रेल विकास निगम में गिरावट है, IRCTC में गिरावट है, इरकॉन में भी गिराव देखने को मिले। सबसे ज्यादा जो है IRFC में गिराव देखने को मिले स्टॉक के। तो रिसेंटली IRFC लिमिटेड स्टॉक की बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट कैप 42,000 है, पी रेशो भी अच्छा है और डिविडेंड भी दे देता है स्टॉक। फिर आज की गिरावट यहाँ पे आप देखा जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 15 करोड़ को क्रॉस हुआ किया है। आज के गिरावट ने ट्रेडेड वैल्यू 53,236 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। बाइंग के लिए 57 लाख क्वांटिटी है तो सेलिंग के लिए 2 करोड़ 45 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखोगे तो तकरीबन 14 करोड़ में से 4 करोड़ 46 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 32%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो कल के तेजी से ज्यादा तेजी आज के गिरावट में देखने को मिले। क्योंकि काफी गिरावट या फिर से एक बार यहाँ पे 35-36 लेवल तक गया था स्टॉक, तो वही से फिर से आज देख सकते कि गिरावट देखने को मिले। मीन्स उसी लेवल पे रजिस्टर लगने के बाद गिरावट यहाँ पे होती हुई नजर आ चुकी है। सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ गैप अप से फिर गिरावट देखने को मिले। 36 लेवल स्ट्रॉन्ग रजिस्टर एक्ट होती हुई नजर आ रही है।